सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ किसी भी सुकेयर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को पूरा देखना है जिससे आप अपने एग्ज़ाम में 100 में से 100 मार्क्स ले सकें। तो आपको कोई भी इसमें कमी नहीं करनी है। देखिए, इफ ए इज एन एन रूट स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर एन रूट स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स होता है एन ऑर्डर का, तो ए बी इक्वल टू बी ए किसके इक्वल होता है, ये यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ सेकंड देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए, ये इक्वल होता है यूनिट मैट्रिक्स के ही। यदि किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम उसके इनवर्स से कर दें तो उनकी मल्टीप्लाई जब होगी तो वो आपकी यूनिट मैट्रिक्स के ही इक्वल आपकी आएगी। इसके बाद में देखिए, आपको ये ध्यान रखना है ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ऊपर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका ए इनवर्स होता है। ए इनवर्स का ये आपका फॉर्मूला है। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद में इस फॉर्मूले में वैल्यूज को रख देंगे तो आपका इनवर्स आ जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ ए बड़े ही अच्छे तरीके से आपको समझाया था, तो वही सिस्टम यहाँ है, यहाँ केवल इनवर्स निकालना है। बट स्टूडेंट्स आपको ये तो पता ही है, जब आप इनवर्स निकालोगे तो उससे पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना ही पड़ेगा, और हमको ये तो बस लास्ट में आपको फॉर्मूला पुट ऑफ कर देना है तो आपका ए इनवर्स यहाँ से आ जाएगा। आगे देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं आप ध्यान रखना। प्रॉपर्टी 1, इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। प्रॉपर्टी 2 है आपकी, यदि ए बी का इकट्ठा इनवर्स दिया हुआ है, ए बी का इनवर्स आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ए बी का इनवर्स यदि कहीं है तो ये आपका इक्वल होता है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के इक्वल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी 3 में इफ ए बी सी 3 मैट्रिक्स आपको दी हुई है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो क्या होता है, ए बी इक्वल टू ए सी यदि आपका दिया हुआ है तो यहाँ ए से आपका ए कैंसिल हो जाएगा तो बी इक्वल टू सी आ जाएगा, और यदि आपको दिया हुआ है बी ए इक्वल टू सी ए तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो बी इक्वल टू सी आपका यहाँ से आ जाएगा। प्रॉपर्टी 4 में इफ ए इज एन इनवर्टेबल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज का इनवर्स जो होता है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स किसके इक्वल होता है, इनवर्स को ब्रैकेट के अंदर ले लिया जाता है और ट्रांसपोज को बाहर ले लिया जाता है, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स को अंदर और ट्रांसपोज को बाहर। अभी आपकी 5th प्रॉपर्टी है, तो ये है इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स, जब डिटर्मिनेंट्स के अंदर ए इनवर्स दिया हुआ है तो हम इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स डिटर्मिनेंट्स क्लोज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का इनवर्स हम निकाल सकते हैं, ये दोनों ही आपके इक्वल आते हैं। तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, इन प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान रखना है। इससे आगे अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस आपके क्या हैं। तो देखिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज, मैं स्टूडेंट्स आपको फिर बता देना चाहता हूँ एक बार कि जो इनवर्स होता है सभी मैट्रिक्स, इसमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, लेट ए इक्वल टू आपको मैट्रिक्स मानना है तो ए इक्वल टू आपका आ जाएगा ए बी सी डी, और इनवर्स का फॉर्मूला मैं आपको फिर ध्यान दिला देना चाहता हूँ, ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो
आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है और इस फॉर्मूले में आपको रख देना है, तो ये आपका इनवर्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पहले हम इसको डिटरमिनेंट्स के रूप में लिखेंगे। डिटरमिनेंट्स के रूप में लिखने के लिए आप इसको सीधा मैट्रिक्स की जगह डिटरमिनेंट्स बना दिया जाएगा इस तरीके से। तो आप इसकी मल्टीप्लाई से करोगे, माइनस में आप इसकी मल्टीप्लाई से करोगे, तो आपका ये आ जाएगा ए डी माइनस, जब ऊपर की मल्टीप्लाई होती है तो इसके आएगी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपका क्या आया, ये आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आ चुका है। क्या आ चुका है, ये डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। जब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आ चुका है, फिर आपको फैक्टर्स निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे और उसे निकालने के बाद फॉर्मूला में हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए, लेट ए इक्वल टू, हम मान चुके हैं पहले वीडियो में मैंने सारा कुछ डिटेल से बता दिया था, तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये आ चुका है नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको एक बात और स्टूडेंट्स ध्यान रखनी है, यदि आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तभी आपका ए इनवर्स निकाला जा सकता है, वरना हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब आपकी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है तभी आप इनवर्स निकाल सकते हो। सिंगुलर मैट्रिक्स में जो इनवर्स होता है वो डज नॉट एग्जिट होता है, हम वहाँ से इनवर्स नहीं निकाल सकते। ये सभी बच्चों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, लिख देना है ए इज नॉन सिंगुलर एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो क्या करोगे, अब आपको फैक्टर्स निकालोगे, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे ए वन वन निकलेगा, फिर भी देखो वन कैंसिल डी आ जाएगा, ए वन टू, वन और टू थ्री होता है, माइनस आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा ए वन टू, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद में देखिए ए टू वन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, माइनस आएगा, माइनस भी आ जाएगा, ए टू टू, टू टू, टू और टू फोर होता है, प्लस में आएगा कोफैक्टर आपका, तो ये आपका ए आ जाएगा। तो ये आपके कोफैक्टर्स आ चुके हैं। कोफैक्टर्स को आप इनकी जगह पर आप क्या करोगे, जहाँ इनकी पोजीशन है सब्स्टिट्यूट करोगे, उसके बाद इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास है, ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो वन ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका आया था ए डी माइनस बी सी, मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपका ये है, इसकी वैल्यू यहाँ रख दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका ए इनवर्स है। ये क्या है, आपका ए इनवर्स। स्टूडेंट्स, यह मैट्रिक्स आपकी 2x2 ऑर्डर की थी, ये मैट्रिक्स आपकी 3x3 ऑर्डर की भी हो सकती है, प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है। यदि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आपके वहाँ उस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स होंगे, सभी के कोफैक्टर्स निकाले जाएंगे, कोफैक्टर्स निकालने के बाद में आपको जो है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए भी आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपका ए इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। सेकंड पार्ट सेम है, आपको पता है, बता चुका हूँ, थर्ड पार्ट भी सेम है, फोर्थ पार्ट, ये सभी एक जैसे ही हैं। तो इसमें देखिए एग्जांपल सेकंड में क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, वेरीफाई दैट ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। तो आपको प्रॉपर्टी दे दी है इस मैट्रिक्स की सहायता से, ये आपको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपको स्टूडेंट्स इनवर्स तो आपको निकालना ही पड़ेगा, इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो आपको ये डिटरमिनेंट्स के रूप में लिखना है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, माइनस 68 नॉट इक्वल ज़ीरो, सो ए इज नॉन सिंगुलर एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये आपका एग्जिस्ट करेगा। तो इसके बाद में आपको कोफैक्टर्स चाहिए, ये आपके आ जाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना है, कोफैक्टर्स को अपनी पोजीशन पर रख करके इसका ट्रांसपोज, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। यहाँ से आप ए इनवर्स निकालोगे, वन ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वन ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए ये हो गया और ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। तो यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। तो ए इनवर्स की वैल्यू आपकी आ चुकी है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, ए इंटू ए इनवर्स, तो ए की वैल्यू आपको आगे रखी जाएगी और ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ हम पीछे रखेंगे। तो ए की वैल्यू ये, ए इनवर्स की ये, 1/68 को आगे रख दिया गया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, तो ये देखिए
इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इससे कर ली जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो गई, मल्टीप्लाई आपकी ये आ गई 68 से हमको इस मैट्रिक्स को डिवाइड करना है। आपको पता है जब मैट्रिक्स के बाहर कोई भी नंबर होता है तो हर एक एलिमेंट्स को उससे डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 68 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1001 और ये आपका I2 के इक्वल इक्वेशन फर्स्ट आपकी मान ली जाएगी। स्टूडेंट्स अब आपको आल्सो ये निकालना है A inverse into A, जो आपका राइट हैंड साइड आपका दिया हुआ था। तो ए इनवर्स की वैल्यू को आगे लिख दिया जाएगा, ए की वैल्यू को पीछे लिख दिया जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई होगी, सॉल्यूशन होगा। 68 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, A inverse equal to A inverse into A equal to I2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर। ये आपको प्रूव करना था। इससे आगे देखिए क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, अभी आपने 2x2 ऑर्डर में किया था, अब यहाँ मैट्रिक्स केवल 3x3 ऑर्डर की दे दी गई है, बस यही फ़र्क है। क्वेश्चंस आपके लंबे ज़रूर होंगे, थोड़े लॉन्ग टाइप में होंगे, परंतु हैं सिंपल, प्रोसेस आपका बिल्कुल एक जैसा ही रहने वाला है। तो इसमें आपको फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज, आप देखिए इसमें 9 पार्ट्स दिए हुए हैं, बाकी सभी मैट्रिक्स आपकी 3x3 ऑर्डर की है, तो आपको सभी को लेट करके चलना है। मैं सभी के लिए एक ही बार में बता देना चाहता हूँ, आप जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसे आप लेट A इक्वल टू मान करके चलोगे। अब मैं आपको ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, तो क्या करना है, इनवर्स निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ A भी निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ A भी निकालना पड़ेगा। जब दोनों ही चीज़ें आपके पास आ जाएंगी उसके बाद में आपको फिर इनवर्स निकालना है। पहले हम इसे डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखते हैं, इसे एक्सपेंड कर देंगे, R1 से एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद आपका -17 ≠ 0, तो इनवर्स यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। फिर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये कोफैक्टर्स हम निकाल देंगे। एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए सारे कोफैक्टर्स को इनकी पोजीशन पर रख दिया जाएगा, रखने के बाद इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का यहाँ सेकंड कॉलम, थर्ड रो का यहाँ थर्ड कॉलम, और ये आपका जो है ये आपका है एडजॉइंट ऑफ A आपका आ चुका है। अब यहाँ देखिए ये एडजॉइंट ऑफ A है और ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A है, कितना, ये आपका -17 आपका दिया हुआ है। इनवर्स के फॉर्मूले में आप रख दोगे, जब आप इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे तो A inverse equal to adjoint of A upon determinants of A, तो ये आ जाएगा -1/17 और एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू ये है, तो यही आपका आंसर रहेगा, ये आपका आंसर है। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, क्या है, पहले मैट्रिक्स को A के लेट A करिए, डिटर्मिनेंट्स के रूप में उसे लिखिए, वहाँ से उसे सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें भी देखिए डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए आपको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने के बाद में यहाँ देखिए ये आपका A दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A यहाँ से निकल आएगा, ये -3 ≠ 0, एज नॉन सिंगुलर, कोई भी डिफरेंस है नहीं। इससे आगे सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालने के बाद सारे कोफैक्टर्स आने के बाद कोफैक्टर्स को इनकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, इसका ट्रांसपोज ले लिया जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम के रूप में लिखोगे, उसके बाद में आपको इनवर्स निकालना है, ये इसका फॉर्मूला होता है -1/3, क्योंकि -3 आपका जो आया था वो आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ A आया था, इनटू एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू ये है, ये आपका इनवर्स आ चुका है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसी तरीके से आपका एग्जाम्पल जो ये है दिया हुआ था, इसका पार्ट थर्ड हो जाएगा सेम है, पार्ट फोर्थ, पार्ट फिफ्थ, पार्ट सिक्स, मैं आपको बता देता हूँ यदि इसमें कुछ अलग होता तो मैं खुद आपको बता देता, इसमें कुछ भी अलग आपका नहीं है, तो सारे क्वेश्चंस आपके एक जैसे हो जाएंगे। इनको करने के बाद में आप देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन होता है वो क्या आता है, एग्जाम्पल 4 मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है क्या है, इसमें दिया हुआ है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स मैट्रिसेज एंड वेरीफाई दैट। स्टूडेंट्स कोई डिफरेंस ही नहीं है क्वेश्चनों में, क्योंकि यहाँ देखिए आपको फिर इनवर्स पूछ लिया गया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन बन गया, परंतु आपको ये सेटिस्फाई और कराना है। इसका मतलब जब आपका ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई आप ए से करोगे, तो ए इनवर्स की वैल्यू आप आगे रखोगे,
ए की वैल्यू आप डॉट लगा करके पीछे करोगे, दोनों के आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका आई थ्री के इक्वल आना चाहिए। तो 100 010 और ये आपका 001 आपका आ जाएगा, और इसे हम इक्वल टू आई थ्री लिख देंगे, तो क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो सीधी सी बात है, इसमें थ्री पार्ट्स आपके दिए हुए हैं, तो सभी को आप लेट ए इक्वल टू मानोगे। लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स को मान लिया जाएगा, डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखा जाएगा, एक्सपेंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू 76 आएगी। एज नॉन सिंगुलर, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सभी के कोफैक्टर्स इसने डायरेक्ट निकाल दिए हैं, कोफैक्टर्स यहाँ अलग अलग करके दिखाए नहीं है, डायरेक्ट कोफैक्टर्स निकाल दिए हैं। कोफैक्टर्स निकालने के बाद इन कोफैक्टर्स को इनकी जो पोजीशन है वहाँ सब्सटीट्यूट इनको किया जाएगा, A11 को A11 की जगह, A12 को A12 की जगह, A13 को A13 की जगह, इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के रूप में आप लिखा जाएगा। उसके बाद में ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 76 पहले ही निकाल चुके हैं। अब आप इनवर्स निकालोगे, इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है, तो ये आपका ए इनवर्स आ चुका है। अब आपको जो वेरीफाई कराना है उसे आप ले सकते हो। वेरीफाई क्या कराना है, वेरीफाई आपको कराना है ए इनवर्स इंटू ए, ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो आगे रखी जाएगी, मैट्रिक्स ए की वैल्यू पीछे रखी जाएगी। 1/76 आपका बाहर है ही, दोनों मैट्रिक्स की यहाँ मल्टीप्लाई की जाएगी, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आएगा, 76 से हर एक एलिमेंट्स को डिवाइड किया जाएगा, तो ये 100010001 इक्वल टू I3 आ जाएगा, और ये आपको प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स देखिए कितने आसान क्वेश्चंस हैं ये, और ये आपको करने हैं। सेकंड पार्ट भी आपका ऐसे ही हो जाएगा और थर्ड पार्ट भी आपका ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका दिया हुआ है, इफ़ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1-1-1, 2-1-0, 1-0-0, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, फाइंड ए इनवर्स। फिर देखिए फिर वही ए इनवर्स आपको निकालना है, तो आप इसे डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखोगे। डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखने के बाद फिर शो, ये तो आपको बाद में शो करना जो ये पूछा है, पहले आप ए इनवर्स निकालिए यहाँ से। तो ए इनवर्स जब आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखोगे, इसे आप एक्सपेंड करोगे तो आपका 1 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो ये 1 आएगा। इसके बाद एज नॉन सिंगुलर एंड हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो ए इनवर्स यहाँ निकाला जा सकता है। सभी के हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, सभी के कोफैक्टर्स निकालने के बाद ये कोफैक्टर्स इनके आ जाएंगे, बताने की बार बार ज़रूरत है नहीं। कोफैक्टर्स आने के बाद कोफैक्टर्स को इनकी पोजीशन पर रखा जाएगा, पोजीशन पर रखने के बाद में इसका ट्रांसपोज किया जाएगा। ट्रांसपोज का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम के रूप में लिख लिया जाएगा। इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ से आपका ए इनवर्स निकलेगा, ए इनवर्स आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो ये यहाँ इसने दिखाया नहीं है, 1/1 आना चाहिए था, परंतु 1 इसने इस वजह से नहीं लिखा है कि 1 से जब किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ही मैट्रिक्स आ जाता है। 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर्स में आप कर लीजिए, वही नंबर आ जाता है, इस वजह से 1 इसने दिखाया नहीं है। तो ये आपका ए इनवर्स आ चुका है। अब राइट हैंड साइड में आपकी ए स्क्वायर थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये होता है ए इंटू ए, तो मैट्रिक्स ए को 2 बार लिख लिया गया है, दोनों की मल्टीप्लाई कर ली है, तो ये आपका आया 0-0-1, 0-1-2, 1-1 और 1, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ये आपकी यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट आई थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये आपको प्रूव करना था स्टूडेंट्स। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एफ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है एंड ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, फाइंड बी, तो यहाँ आपको बी निकालना है, तो आप करोगे कैसे, ध्यान से देखिए, हेयर इट इज़ गिवन, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आपको दिया हुआ है, देयरफोर बी मस्ट बी द इनवर्स ऑफ ए। तो क्या करेंगे, यहाँ जो मैट्रिक्स आपको ये दिया हुआ है इसे आप डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखोगे, इसे आप एक्सपेंड करोगे R1 से, इसे एक्सपेंड करने के बाद में माइनस का 55 आएगा, एज नॉन सिंगुलर हो जाएगा, सभी पूरी मैट्रिक्स सभी एलिमेंट्सों के यहाँ से कोफैक्टर्स आपके आ जाएंगे। कोफैक्टर्स निकालने के बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए आपका आ जाएगा,
एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद इसका ट्रांसपोज लेते हैं, कोफैक्टर्स को जब इसकी जगह पर लिखा जाता है तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया जाएगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दिया जाएगा, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बना दिया जाएगा। उसके बाद में ए इनवर्स यहाँ से निकलेगा, ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये आपका ए इनवर्स आ चुका है। सिंस बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो बी जो है वो इनवर्स ऑफ ए है, तो इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स की जो वैल्यू थी वो बी के ही इक्वल आपकी आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखिए, जब ए बी इक्वल टू बी ए होता है तो क्या होता है इसमें कि यहाँ हम बी पूछा है इसने, यदि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई इसमें आपको दिया हुआ है तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना कि हम लेते हैं बी ए इक्वल टू आई क्योंकि इसने दिया हुआ है। अब हमको वैल्यू निकालनी है बी की, तो बी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, आई अपॉन ए आएगा, सीधी सी बात है। ए की पावर कुछ भी नहीं है तो वन माना जाएगा, तो क्या करोगे आप, आई ए की पावर वन है ऊपर ले करके जाएंगे तो ए की पावर और माइनस वन नहीं हो जाएगी, तो ये क्या बना, बी इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स बना। अब ए इनवर्स से जब आई की मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ही आ जाएगा। इस तरीके से जो ए इनवर्स है वो बी के इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट्स सभी की समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, इफ़ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का, सो दैट ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a + 11i। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड के इक्वल करनी है, इसे डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको इनवर्स निकालना है। इसके बाद इसके नॉन सिंगुलर हो ही जाएगा ये, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि ये वन दिया हुआ था ना, ये वन निकला था इसकी वैल्यू, जब इसकी वैल्यू वन निकली थी तो ये नॉन सिंगुलर तो हो ही जाना है। उसके बाद में आप इसके सभी एलिमेंट्स के यहाँ से कोफैक्टर्स निकालोगे, कोफैक्टर्स निकालने के बाद स्टूडेंट्स ये आपके सारे कोफैक्टर्स आ जाएंगे। कोफैक्टर्स को आप इनकी पोजीशन पर रखोगे, इसका ट्रांसपोज लोगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम आप बनाओगे। उसके बाद में स्टूडेंट्स ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का फॉर्मूला लगेगा, तो फिर वही बात आती है, वन अपॉन वन करने इस वजह से इसने नहीं किया है, क्योंकि जब वन की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में होगी तो ये मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी। उसके बाद आप देखिए राइट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू इसने निकाली, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, तो ए की वैल्यू यहाँ मैट्रिक्स ए की वैल्यू दोनों की मल्टीप्लाई किया, इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स आपका ये आ चुका है। जब ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ चुकी है आपकी, ये जो वैल्यू है ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। इसके बाद ये था राइट हैंड साइड, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू -6, ए की जगह ए की वैल्यू +11 इंटू आई, आई यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर 100 010 001 आपका यहाँ आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये आपका सेम है, -6 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी गई है सारे एलिमेंटों से, यहाँ 11 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी जाएगी सभी एलिमेंट्स से, और 3 मैट्रिक्स का सम कर दिया जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप यहाँ ऐड कर दोगे। जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके ऐड होंगे तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। स्टूडेंट्स आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट आई थी वो आई थी ए इनवर्स से, जो ए इनवर्स की वैल्यू थी वो आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये आपकी इक्वेशन क्या है, सेकंड है। तो स्टूडेंट्स क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स आपका ये आ जाएगा। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए आपकी दी हुई है, मैट्रिक्स बी आपकी दी हुई है, फाइंड ए बी का इनवर्स। पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, पिछले जो मैंने अभी बताया था पहले क्वेश्चन ऐसा भी कराया है इसी वीडियो में शुरुआत में। तो ए बी का इनवर्स, तो ए बी आप पहले क्या करोगे, ए की जगह ए की वैल्यू रखोगे, बी की जगह बी की वैल्यू रखोगे, ए बी की मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई आपकी ये आ जाएगी। अब जो ए बी मैट्रिक्स आपका ये आया, इसे आप डिटर्मिनेंट में लिखोगे, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को सी से डिनोट कर लिया जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी आपका ये आ जाएगा। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ सी को सॉल्व किया जाएगा,
इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो आपका ये माइनस टू आ जाएगा। इसके बाद में आप को फैक्टर निकालोगे सी के, तो सी वन वन, सी वन टू, सी टू वन, सी टू टू, ये आपके को फैक्टर्स हैं। को फैक्टर्स को उनके पोजीशन पर रखा जाएगा, इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, ऐसे लिख दिया जाएगा। तो जो ये सी का इन्वर्स आया है, ये आपका ए बी का इन्वर्स भी आ चुका है। तो ए बी का इन्वर्स ये स्टूडेंट्स, आगे देखिए, ये आपको पूछा था कि ए बी का इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा। मैं आपको ध्यान दिला देना चाहता हूँ, यदि कहीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है और इसका इन्वर्स पूछा जाता है, तो हम इसे लेट सी इक्वल टू कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लेट सी इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इससे आगे देखिए, इससे अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ए इक्वल टू 2135, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। वो जो प्रॉपर्टी है वही सॉल्व करनी है एग्जांपल्स की हेल्प ले करके। तो ए ट्रांसपोज, अब यहाँ देखिए ये मैट्रिक्स आपका ए है। अब क्या किया है, जब मैट्रिक्स ए आपका दिया हुआ, डिटर्मिनेंट्स में लिख लिया है इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 7 आ चुका है। नॉन सिंगुलर है, इन्वर्स आपका निकाला जा सकता है। इन्वर्स निकलने के बाद ध्यान से देखिए आगे चलते हैं क्या होगा। को फैक्टर्स को हम निकाल देंगे, ये आपके को फैक्टर्स आ गए, इनको इनके पोजीशन पर रखा जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा, ए इन्वर्स का फॉर्मूला लगेगा, ए इन्वर्स का फॉर्मूला लगने के बाद आपका ये ए इन्वर्स आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज करना है। क्या करना स्टूडेंट्स? ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे, 1/7 तो आपका बाहर रहेगा ही, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के रूप में लिखा जाएगा, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम के रूप में ये आपका लिखा जाएगा। इसके बाद में आप देखिए ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज जो ए की वैल्यू है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन जाएगा। उसके बाद में क्या करो, जब ए ट्रांसपोज है, फिर आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10, माइनस 3, तो 7 आ चुका है। ये तो क्या हुआ, ये यहाँ देखिए, ए ट्रांसपोज इज नॉन सिंगुलर एंड हेंस इनवर्टेबल। तो यहाँ क्या आएगा, इससे आगे देखो, द को फैक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज। अब यहाँ क्या करोगे, ए ट्रांसपोज के सभी के को फैक्टर्स आप निकालोगे, को फैक्टर्स यहाँ निकल आएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज आएगा, रो के कॉलम, कॉलम की रो बना दी जाएगी। फिर यहाँ ए ट्रांसपोज का इन्वर्स आएगा, तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स आप करोगे तो 1/8 का डिटर्मिनेंट्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो सारा कुछ जैसा हमें प्रूव करना है उस तरीके से हम निकालते चले जाएंगे और आपके जो प्रूव करना होता है वो आपका आ जाएगा। इससे आगे देखिए, सेकंड जो पार्ट इसका दिया हुआ था, ए की वैल्यू दी हुई थी 3x3 ऑर्डर में, एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स निकालना है और एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स एंड ए इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू ए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं ये कैसे निकलेगा। आपको पता है इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, तो हेयर ए इक्वल टू मैट्रिक्स आपकी ये दी हुई है, मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट्स में लिखा, एक्सपेंड किया R1 से, -13 वैल्यू आ गई, नॉन सिंगुलर है, ए इन्वर्स निकाला जा सकता है। स्टूडेंट्स ए इन्वर्स निकालने से पहले एडजॉइंट ऑफ ए की आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि फार्मूला में हमें एडजॉइंट ऑफ ए हमको चाहिए। तो इसके बाद में आप को फैक्टर्स निकालोगे, को फैक्टर्स को अपनी पोजीशन पर रखोगे, उसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के रूप में लिखा जाएगा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के रूप में लिखा जाएगा, फिर ए इन्वर्स का फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स। तो ए इन्वर्स यहाँ से आपका ये आ जाएगा लास्ट। तो जब ए इन्वर्स आपका आ जाएगा, क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए, लेट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी। इससे आगे देखिए, बी को डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख लेंगे, जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए है ये हमने मान लिया बी के इक्वल, तो इसका फिर डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए को, फिर यहाँ से इसे एक्सपेंड किया जाएगा आर वन से, तो ये 169 आ जाएगा। बी इज नॉन सिंगुलर एंड हेंस बी इनवर्स एग्जिस्ट। तो आप क्या करोगे, अब आप यहाँ जो मैट्रिक्स बी माना था, मैट्रिक्स बी क्या माना था हमने, एडजॉइंट ऑफ ए। अब सारा प्रोसेस उसी तरीके से चलेगा,
यहाँ से अब हम एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ बी निकालने से पहले इनके डायरेक्ट कोफैक्टर्स निकाल दिए हैं। कोफैक्टर्स निकालने के बाद स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ बी आपका आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ बी आपका आने के बाद इसका ट्रांसपोज होगा, ये आपका एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। यहाँ से बी इनवर्स निकलेगा, तो यहाँ बी इनवर्स निकालोगे तो मैट्रिक्स ए की जगह यहाँ केवल आपको बी रख देना है। तो ये फॉर्मूला आपका बी इनवर्स का बन जाएगा। तो ये आपका आया। अंदर से क्या करते हैं, अंदर से हम -13 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर -13 से डिवाइड हो जाएगा, तो 13 बन जा 13, 13 टू जा 26, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स किसके इक्वल है, बी इनवर्स के इक्वल है। तो ये अब क्या है, अगेन लेट सी इक्वल टू ए इनवर्स। सी जो दिया हुआ है लेट कर लिया, ये ए इनवर्स के इक्वल है। तो ए इनवर्स आपका ये है यूजिंग फर्स्ट से, तो ये सी आपकी वैल्यू आपकी जो आएगी वो ये आ जाएगी, क्योंकि 13 को हम अंदर ले जाएंगे। भाई ये -1/13 है ना, तो -13 से डिवाइड कर दिया जाएगा हर एक एलिमेंट, तो ये बनेगा आपका। तो अब आपको क्या करना है, ये आपका मैट्रिक्स आपका सी आ गया, इसे आप डिटरमिनेंट्स के रूप में लिखोगे। डिटरमिनेंट्स के रूप में लिखने के बाद स्टूडेंट्स कोफैक्टर्स निकाले जाएंगे। कोफैक्टर्स निकालने के बाद में आपका जो भी आना है C11, C12, तो ये सारे कोफैक्टर्स आ जाएंगे। एडजॉइंट ऑफ सी आएगा, इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, ये आपका क्या आया, कोफैक्टर्स ऑफ सी आपका आ चुका है। ये कोफैक्टर सारे आ चुके हैं, इसके बाद में एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ सी आपका ये है। तो एडजॉइंट ऑफ सी ये है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या है आपका, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ये आपका यहाँ से ये आपका प्रूव हो जाएगा कि ये इसके इक्वल है। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ सी, यहाँ इसकी वैल्यू ये निकल आएगी। निकलने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ से सी इनवर्स निकालोगे। सी इनवर्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़िए। तो ये सी इज नॉन सिंगुलर, हेंस सी इनवर्स एग्जिस्ट। तो सी इनवर्स इक्वल टू 1/ डिटर्मिनेंट्स ऑफ सी, तो एडजॉइंट ऑफ सी, तो ये आपका जो है प्रूव हो जाएगा। दो क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए गए थे, लेफ्ट राइट के इक्वल, राइट और फिर राइट के इक्वल, यहाँ ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में क्या, वेरीफाई दैट ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू इनवर्स। ये भी आपकी प्रॉपर्टी है, ये एग्जाम्पल की उससे हेल्प से ये आपको बतानी है कैसे होगा। ये आपका मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख लेंगे ए को, तो 2 1 जा 2, -0 हो जाएगा, तो 2 ≠ 0 नॉन सिंगुलर हो गया। यहाँ से आप कोफैक्टर्स निकालोगे ए के, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स यहाँ से निकल आएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपका ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स आने के बाद ए इनवर्स आपका ये आ चुका है। उसके बाद में आप मैट्रिक्स बी को डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखोगे, यहाँ से आप एडजॉइंट ऑफ बी निकालोगे, बी इनवर्स भी आपका आ जाएगा। उससे आगे जब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो ए बी की हमें मल्टीप्लाई चाहिए, ए की जगह मैट्रिक्स ए की वैल्यू, बी की जगह मैट्रिक्स बी की वैल्यू, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 to 2 5 आ जाएगा। इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये आपका -4 आ जाएगा। आपको मैंने बार बार बताया है, यदि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई दी हुई है और उसके हमको उस दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का हमें इनवर्स चाहिए, तो हम उसे सी के इक्वल मान लेते हैं। किसके इक्वल मान लेते हैं, सी के। तो ऐसा ही यहाँ क्या हुआ, ए बी को हमने सी के इक्वल मान लिया है। तो यहाँ C11, C12, C21, C22 ये आपके कोफैक्टर्स आपके निकल आए हैं मैट्रिक्स सी के। इट मींस प्रोडक्ट ऑफ ए बी के कोफैक्टर्स ये कहलाएंगे वैसे। तो एडजॉइंट ऑफ सी आपका ये आया। तो ए बी का इनवर्स इक्वल सी इनवर्स, मैंने आपको बताया था ना, लेट कर लेते हैं दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को सी के इक्वल, जब हमको वहाँ इनवर्स निकालना होता है। उसके बाद में आपका ये आ जाएगा, तो बी इनवर्स की वैल्यू को आगे रख दिया जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू को पीछे रख दिया जाएगा। ये तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी हो ही जानी है। तो बी इनवर्स 1/2 × 1/2 - 1/4 इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से हो जाएगी। तो आपकी इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स आपकी आ जाएगी।
इससे आगे देखिए क्या है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आपका सेम ही है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, केवल एलिमेंट्स चेंज कर दिए गए हैं थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट जो आपका है वो कितना है, किस तरीके से दिया हुआ है, ये आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, बस ये डिफरेंस है। और बी मैट्रिक्स भी आपका 3x3 ऑर्डर का दिया हुआ है। अभी पहले पार्ट्सों में आपका जो मैट्रिक्स दिया हुआ था वो 2x2 ऑर्डर का दिया हुआ था, यहाँ 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है, तो आप क्या करोगे, मैट्रिक्स ए को डिटरमिनेंट्स के रूप में लिखोगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू निकालोगे, सभी के कोफैक्टर्स आपके निकल जाएंगे, हर एक एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को उनकी पोजीशन पर रख देना है। पोजीशन पर रखने के बाद में ये आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम के रूप में लिखोगे, फिर यहाँ से ए इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, अंदर से स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई ले लिया जाएगा मैट्रिक्स के अंदर से, तो 3 जब आप मल्टी मतलब यहाँ से कॉमन लोगे तो 3/27 बनेगा, तो 3×9=27 हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ आपको ये 1/9 आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, फिर मैट्रिक्स बी आपका दिया हुआ है, तो यहाँ जब मैट्रिक्स बी आपका दिया हुआ है तो आप इसे डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखोगे, इसे एक्सपेंड करोगे आर वन से, ये आपका 1 ≠ 0 आएगा, बी इज़ नॉन सिमिलर हो जाएगा, यहाँ से आप बी इनवर्स निकालोगे। बी इनवर्स निकालने से पहले आपको एडजॉइंट ऑफ बी निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ बी निकालने से पहले भी आपको कोफैक्टर्स ऑफ बी निकालने पड़ेंगे, जो यहाँ आपके निकाले जा चुके हैं, कोफैक्टर्स बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से आपकी सभी की समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद में जब कोफैक्टर्स आपके निकल आएंगे स्टूडेंट्स, फिर आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ बी ये आपका आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, कोफैक्टर्स को उनके पोजीशन पर रख करके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के रूप में लिखा जाएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के रूप में लिखा जाएगा, थर्ड रो को आपका थर्ड कॉलम के रूप में लिखा जाएगा। उसके बाद में आपका ये जो है एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है, फिर यहाँ से एडजॉइंट ऑफ बी आ चुका है, इसके बाद में आपको क्या करना है, बी इनवर्स निकालना है, बी इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी आपका क्या था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी आपका 1 था, 1 की मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो यही आ जाएगा, इसने इस वजह से वो दिखाया नहीं है, तो आपका बी इनवर्स ये आपका आ चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी आपको निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी स्टूडेंट्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू यहाँ आगे रख दी जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आगे रख दी जाएगी, दोनों की यहाँ मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट्स, दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद में इसे सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करने के बाद आपका ये आपका आ जाएगा। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए भी आपका आ चुका है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए भी निकालने के लिए, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी, ये प्रॉपर्टी है आपको याद रखनी है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका 27, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी आपका 1, तो ये आपका 27 आ चुका है। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, ए बी का इनवर्स आपको निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल चुके हैं यहाँ पर ओवर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी, तो आपका ये आ चुका है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लिया जाएगा अंदर से, तो 3/27 फिर 1/9 आएगा और ये आपका आ जाएगा, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आपकी स्टूडेंट्स बन जाएगी। उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स हम निकाल चुके हैं, ए इनवर्स भी हम निकाल चुके हैं, बी इनवर्स की जगह बी इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू, दोनों मैट्रिक्स की इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसने मल्टीप्लाई सीधी करके दिखा दिया है, तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी, ये इक्वेशन आपकी सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो एग्जाम्पल की हेल्प से ये प्रॉपर्टी इसने प्रूव करके दिखा दी है। तो इससे आगे देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है, ए इक्वल टू आपको 1 1 1 1 1 2 0 2 -3 3 -2 4 दिया हुआ स्टूडेंट्स, और बी इनवर्स आपको दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो फाइंड ए बी का इनवर्स आपको निकालना है। स्टूडेंट्स जब आपको ए बी का इनवर्स निकालना है तो आपको ये तो पता ही होगा, ध्यान रखिए मैं आपको फिर रिपीट करा देता हूँ, ए बी का इनवर्स जो होता है स्टूडेंट्स क्या होता है,
ये होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स स्टूडेंट्स, ध्यान से जब आप देखोगे तो आपको यहाँ से पता ही चल जाएगा। यहाँ देखिए बी इनवर्स तो इसने दिया हुआ है, जब बी इनवर्स इसने दिया हुआ है तो आपको यहाँ से ए इनवर्स की ज़रूरत है इसको निकालने के लिए। जब आप ए इनवर्स निकालोगे, ए इनवर्स तो हम बार बार निकालते ही आ रहे हैं, जो मैट्रिक्स ए आपका दिया हुआ है इसे डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट्स रूप में लिखने के बाद इसे एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करने के बाद ये माइनस 19 आएगा, नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर हो जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, को फैक्टर्स निकालने हैं, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। स्टूडेंट्स अब आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, सारे को फैक्टर्स को इनकी पोजीशन पर रख दिया जाएगा, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बनाया जाएगा, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बनाया जाएगा, थर्ड रो से आपका थर्ड कॉलम बनेगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में आपका ए इनवर्स निकलेगा, ए इनवर्स स्टूडेंट्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये फॉर्मूला आपका यूज होता ही है, बार बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो -1/19 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपका ये है। तो मैंने आपको बताया था ना अभी कि ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। स्टूडेंट्स बी इनवर्स की वैल्यू दी हुई है, ये लिख दिया है इसने, ए इनवर्स की वैल्यू ये आई थी, -1/19 आगे रख दिया है और ये जो वैल्यू है ये यहाँ पीछे रख दिया। स्टूडेंट्स क्या किया है, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, सेकंड रो की थर्ड कॉलम से, फिर थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो की सेकंड कॉलम, थर्ड रो की थर्ड कॉलम से। सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा तो स्टूडेंट्स आपका ये आ जाएगा। तो ए बी का इनवर्स इक्वल बी इनवर्स डॉट इनवर्स होता है, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है इसमें। ए इनवर्स इक्वल टू आपको दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो ए इनवर्स आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है, ए बी का इनवर्स आपको निकालना है। स्टूडेंट्स देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है स्टूडेंट्स। यहाँ इसने ए इनवर्स तो दिया हुआ है, बी इनवर्स हमको निकालना है, तो इस मैट्रिक्स से आप बी इनवर्स निकाल देना। जैसे आप बी इनवर्स निकालोगे तो बी इनवर्स की वैल्यू को आगे रखा जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ पीछे रखा जाएगा, दोनों के आप मल्टीप्लाई जब करोगे ना स्टूडेंट्स तो आपकी ये वैल्यू फाइंड आपकी हो जाएगी। सेम प्रोसेस, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो यहाँ देखिए बी इनवर्स आपका आ चुका है, ए बी का इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स आगे ए इनवर्स पीछे, मल्टीप्लाई किया, ये आपका आंसर आ चुका है। ये इससे आगे देखिए और कुछ दिया हुआ है, एग्जाम्पल 14 में स्टूडेंट्स आपको ध्यान से देखना है क्या दिया हुआ है। गिवन ए मैट्रिक्स ये आपको दिया हुआ है 2-3-4-7, कंप्यूट ए इनवर्स एंड सो दैट 2A inverse = 9i - a। तो देखो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, आपको देखो इनवर्स तो आपको निकालना ही पड़ेगा। इनवर्स आप निकालोगे तो ए इनवर्स आपका निकल जाएगा, उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हम देखते हैं ए इनवर्स, जब आपका ए इनवर्स आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए ए इनवर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, 9i एक यूनिट मैट्रिक्स है 2×2 ऑर्डर की, 1001, और फिर इसके बाद में इसे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स आपके 2-3, और यहाँ -4 और 7। स्टूडेंट्स आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे, ये आपकी राइट हैंड साइड और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, कुछ भी मान लेना आप इसे। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, तो यहाँ बात आती है ए इनवर्स की, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ए इनवर्स निकालना, और 2×2 ऑर्डर का ही वैसे है, बड़ा सिंपल है। को फैक्टर्स आप निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा, मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स को 2 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2×1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा ना, इस वजह से यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये एलिमिनेट हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आप इसे मान सकते हो, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। 9i अभी मैंने बताया था, 9i की जगह यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 2×2 ऑर्डर, -a की वैल्यू आपकी ये है स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा, इसे इक्वेशन आप सेकंड मानोगे,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट भी स्टूडेंट्स आपका ऐसा ही है। अब ये हमारा देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या था इसमें जो था सेकंड जो पार्ट था इसका, इसे थोड़ा देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड पार्ट में देखिए मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, तो ए माइनस थ्री आई, तो देखिए स्टूडेंट्स ए, ए की वैल्यू 4 5 2 1, ए माइनस के 3 आई। जब ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना स्टूडेंट्स, तो यूनिट मैट्रिक्स भी हमें 2x2 ऑर्डर का ही लेना होता है। यदि ये मैट्रिक्स आपका 3x3 ऑर्डर का होता तो यूनिट मैट्रिक्स भी हम 3x3 ऑर्डर का ही लेते। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर देना तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स आ जाएगी, राइट हैंड साइड आपकी ये है। उससे पहले आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स निकालने के बाद में आप राइट हैंड साइड में वैल्यू रख देना, ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की, आई की जगह आई की, सिंप्लीफाई हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स आपके राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो ये आपके जो थे कुछ क्वेश्चंस थे, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा, और तब तक आप इनको ढंग से कर लीजिए। चाहे कोई प्लस वन का बच्चा है या प्लस टू का बच्चा है, HBSE बोर्ड का है या CBSE बोर्ड का है, सभी बच्चों के लिए यूजफुल है, और उनके तो ये एग्ज़ाम में भी आते हैं मैथमेटिक्स के पेपर में। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो स्टूडेंट्स या जो भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये कंटिन्यूड जो मैट्रिसेज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत होती है, आपके लिए ही हम इस मेहनत को कर रहे हैं। थैंक यू।